हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आप लोग सोच रहे थे इतना दिन वीडियो नहीं बना पा रहे हो, वीडियो नहीं डाले हो, इसलिए आप लोग के लिए हम एक नया एक टूबलेस टायर रिपेयरिंग का वीडियो डालेंगे। आप लोग देख सकते हैं, मेरे भाई ने लेके आया टायर, बोला मेरा ऊपर से नहीं भीतर से बनाना है। आप देख सकते हैं बाहर से कितना छोटा दिख रहा है ये ब्रेक, अंदर से आपको नज़ारा दिखाएंगे। वीडियो में सिर्फ बने रही है और दिखाएंगे कितना बड़ा ब्रेक था, टायर जाते जाते बच गया। इसको अब हम लोग पूरा अच्छे से चेक कर देंगे और वीडियो में बने रहिए। आप लोग देखिए, सिर्फ एक टायर को हम लोग पूरा चेक कर ले रहे हैं, अच्छे तरीके से चेक करके हम लोग और देखेंगे पूरा। आप चेक कर लिए हैं, आप चेक करके देख लिए हैं और इस वीडियो में बने रहिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा टायर कैसे खुलता है कैसे नहीं। आप देख सकते हैं अब टायर हम लोग खोलने जा रहे हैं, टायर चेक हो चुका है, अब हम लोग इसको टायर को खोल लेंगे अच्छे तरीके। अब देख सकते हैं टायर खुल चुका है, खुलने का टाइम में वीडियो नहीं डाल पाया, उस समय परेशान हो रहा था, इसलिए आपको ये वाला डायरेक्ट वीडियो दिखा दे रहे हैं। आप देख सकते हैं 318 है ट्यूबलेस टायर, देख सकते हम लोग इसको बनाएंगे। वो जो ऊपर से इतना छोटा ब्रेक दिखाई दे रहा था, अब देखिएगा अंदर में कितना बड़ा ब्रेक, आप लोग भी देख के हैरान हो जाइएगा। कभी भी छोटा चीज को कभी भी अंजाम मत करिए, इसको बना दीजिए। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. देखिए टायर को हम लोग पूरा अच्छे तरीके से स्मूथली खोलेंगे, टायर को पूरा अच्छे से खोल के आपको दिखाएंगे। टायर खुल चुका है, अब इस टायर को रिंग से अलग कर देंगे, अलग करके अच्छे तरीके से आपको दिखाएंगे। और टायर में कभी टूलेस टायर अंदर से बना है तो आप रिंग के साथ अलग टायर को कर दिए करिएगा। और देखिए अब हम लोग टायर को अब चेक करेंगे कहाँ पर है, टायर पूरा अच्छे तरीके से चेक करेंगे। आप लोग टायर को देख सकते हैं इतना छोटा ब्रेक, आप बेहतर से आपको दिखाएंगे, आप लोग हैरान हो जाएगा। आप देख सकते हैं इतना बड़ा चीज़ ढुका हुआ है इस टायर में, भाई सोचा था इतना छोटा चीज़ होगा इसमें, आप देख सकते हैं इतना बड़ा चीज़ ढुका हुआ है। इसका टायर साइड से फटने वाला था, बच चुका है अब, इसीलिए कभी भी छोटा चीज़ को आप नाजायज़। अब आप लोग देख सकते हैं टायर में कट इस तरह दिख रहा है, अब इस कट को हम लोग बनाएंगे। अब इस टायर को पोछ चुके हुए हैं, सब पानी से भीगा हुआ इस टायर को फ्रेश हो चुका है, और हम लोग इसको अब ओमनी को अच्छे तरीके से लेवल में रख के चौक का दाग लगा देंगे, परेशानी ना हो घसने के लिए। देख सकते हैं कितना अच्छा दाग लग चुका है, अब इसको हम लोग Subscribe to my channel and also press this bell icon. क्या होता है, पकड़ता अच्छे से है, देख सकते हैं अब हम लोग अच्छे से पूरा घस चुके हैं अच्छे तरीके से है। घस के हम लोग अब सोल्यूशन लगाएंगे, साफ सुथरा कर देंगे अच्छे से, कोई कचरा नहीं आना चाहिए, नहीं तो एयर लेके आपका बाद में खराबी हो सकता है। अब हम लोग थोड़ा सा नाप लेंगे, देख सकते हैं कोई बड़ा छोटा नहीं ना, देख सकते हो चुका है पूरा लेवल में। अब हम लोग सोल्यूशन लगाएंगे अच्छे तरीके से, ओमनी सोल्यूशन हम लोग लगाएंगे। आप लोग देखिएगा ओमनी सोल्यूशन हम लोग लगाते हैं, थोड़ा सोल्यूशन अच्छे से साफ हाथों से आप लगा दीजिए, आप देख सकते हैं पूरे अच्छे से मिला दीजिएगा जहाँ तक है कट से लगा दीजिएगा। सोल्यूशन कभी मत रखिएगा और हल्का सोल्यूशन देख सकते हैं लग चुका है, और थोड़ा सा सूखने का भी टाइम देना है इसको, कभी भी गीला में मत लगाना, नहीं तो आपका बाद में उखड़ सकता है। थोड़ा सूख चुका है, देख सकते हैं पूरा थोड़ा सूख चुका है, इसके बाद में हम लोग हल्का हल्का पूरा सूख चुका है तब आप ओमनी लगाना। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. हम लोग ओमनी लगाएंगे अच्छे तरीके से, पूरा अच्छे तरीके से हम लोग लेवल कर देते हैं। एक जगह भी एयर नहीं रहना चाहिए, एयर लेने से आपका पूरा खराब हो जाएगा। हम हर वीडियो में हर टूरिस्ट टायर बनाने का टाइम है मैं हर बताता हूँ, देख सकते हैं इसको हम लोग अच्छे तरीके से एयर को भी अच्छे तरीके से निकालने का काम करता है। इसी तरह आप भी करिएगा तो आपका भी एयर भी नहीं रहेगा, एयर नहीं रहेगा तो आपका सक्सेस काम होगा। आप देख सकते हैं इसको अच्छे तरीके से लगा लीजिए, पूरा बीच से लग रहिएगा,
अब इसको प्लास्टिक को भी निकाल के हम लोग लगा देते हैं, कहीं बाद में इधर उधर ना लगड़ा रहे, इसलिए हम लोग अच्छे तरीके से लगा देते हैं। देखते हैं हम लोग कितना फिनिशिंग के साथ काम करेंगे। ये भाई का टायर नया था, नया लगाया था भाई, और देख सकते हैं इतना छोटा ब्रेक था, इतना बड़ा निकल चुका है। अब हम लोग जब तक टायर बन चुका है तो रिंग को भी अच्छे तरीके से साफ कर ले, बाद में फिट करने का टाइम से रिंग साइड का लीकेज ना हो, भाई को परेशानी ना हो, इसलिए हम लोग सब काम को ध्यान रख के काम करते हैं, कस्टमर का किसी चीज़ का परेशानी ना हो। और Hey हम लोग there. टायर को अच्छे तरीके से Subscribe to my रिंग के channel कंपाउंडर लगा and also देंगे press टायर this में, bell icon. और फिट कर देंगे हम लोग अच्छे तरीके से। फिट कर चुके हैं, देख सकते हैं हम लोग टायर को पूरा स्मूथली फिट कर दिए हैं टायर को। अब हम लोग इसको ठोक लेंगे, हल्का फुल्का ठोक लिया जाता है, फिर अब हम लोग इसको हवा देंगे, नॉर्मल जैसे गाड़ी में हवा दिया जाता है वैसे अब हम लोग हवा दे के देखेंगे। वैसे हवा देने से ना उठे तो दूसरा भी फार्मूला है, हम तीन फार्मूला में काम करता हूँ, एक नॉर्मल, एक डायरेक्ट, और एक कमेंट में पूछना तो मैं ज़रूर बताऊँगा। आप देख सकते हो ये फार्मूला काम नहीं किया, इससे हवा नहीं जा रहा है। अब हमको क्या करना पड़ा, डायरेक्ट मैं डायरेक्ट हवा लिया। डायरेक्ट हवा लेने से क्या होता है, टायर जल्दी बैठ जाता है। मैं देख सकते हो हम कैसे डायरेक्ट हवा ले रहे हैं। डायरेक्ट हवा लेने के लिए मैं एक अलग सा मशीन आता है, एक छोटा सा है वो आप दुकान पर भी बना सकते हैं, उससे आप बाहर भी हवा लीकेज नहीं होगा, आप डायरेक्ट सिर्फ टायर में ही हवा डाल सकते हैं। देख सकते हैं डायरेक्ट हवा देने से एक बार में हो चुका है और कहीं चीज़ का परेशानी नहीं होगा। आप लोग भी देख लीजिए, कभी भी कितना भाई लोग भी टूबलेस टायर बैठा नहीं पाते हैं, अच्छे से उठा नहीं पाते, बाद में परेशान हो जाते हैं। एक वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा टूबलेस टायर का, तीन फार्मूला से कैसे बीट को उठाया जाए, इसलिए मैं बनाऊंगा। आप देख सकते हैं टायर हो चुका है कंप्लीट, तो भाई भी खुश हो चुका है।